तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के बीच एक ऐतिहासिक गठबंधन की हाल ही में घोषणा हुई है। इस वीडियो में हम इस गठबंधन का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि इसका प्रभाव आंध्र प्रदेश की राजनीति पर क्या हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। हाल ही में नायडू ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, जनसेना और टीडीपी का गठबंधन ऐतिहासिक फैसला है। जिस दिन इस गठबंधन की घोषणा हुई थी उसी समय जगन की सभी राजनीतिक संभावनाएं खत्म हो गई थी। अब मैं अपने 40 साल के अनुभव के साथ आने वाले अगले 5 सालों में ऐसा आंध्र प्रदेश का विकास करूँगा जैसा कोई नहीं कर पाया। उनके अनुसार रेड्डी का युग समाप्त हो चुका है और आगामी चुनावों में YSRCP की हार पहले से ही जनता द्वारा निर्धारित कर दी गई है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद किया और कई वादे किए, जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 5 साल में 20 लाख नौकरियां, बेरोजगारों के लिए वित्तीय सहायता, हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर वितरण, प्रत्येक परिवार के लिए पेयजल सुनिश्चित करना जैसे सुविधाएं जनता को मिलेंगी यदि गठबंधन चुनाव जीतता है तो। साथ ही उन्होंने राज्य चुनाव आयुक्त के अधिकारियों पर आरोप लगाया, इन्होंने टीडीपी और जनसेना समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए हैं और युवाओं को अपने मताधिकार के लिए पंजीकरण करने और नियमित रूप से अपनी स्थिति की जाँच करने की अपील भी की। इसके बाद नायडू ने अमरावती में एक और बड़ी सभा और टीडीपी जनसेना संयुक्त घोषणा पत्र को जारी किया। साथ ही घोषणाएं की कि सत्ता संभालने पर टीडीपी महाशक्ति पहल के माध्यम से 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये प्रदान करने जैसी योजनाओं को लागू करेगी और बेरोजगार व्यक्तियों को युवा गलम निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा नायडू ने कई वादे भी किए, जैसे कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, 5 साल में 20 लाख नौकरियां, बेरोजगारों के लिए वित्तीय सहायता, 3 मुफ्त गैस सिलेंडर वितरण, प्रत्येक परिवार के लिए पेयजल सुनिश्चित करना। बाकी ये सभी वादे भविष्य తల్లిదండ్రులు నాకు అప్పచెబుతున్నారంటే అది నా బాధ్యతగా స్వీకరిస్తా. తప్పకుండా వాళ్ళ భవిష్యత్తు బంగారు భవిష్యత్తు చేసే బాధ్యత में पूरे होंगे जब गठबंधन चुनाव जीतेगा। इसके लिए उन्होंने जनता से अपील की कि वो टीडीपी जनसेना गठबंधन को आगामी चुनाव में 160 विधानसभा सीटें और 25 लोकसभा सीटें प्रदान करें ताकि राज्य का विकास हो सके। आपको बता दें कि इस गठबंधन की घोषणा के बाद से ही राजनीति मंच पर काफी हलचल देखने को मिली है। यदि हम नायडू की बातों पर विश्वास करें तो ये गठबंधन YSRCP के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। वहीं अगर हम बागची की चिंताओं को देखें तो ये गठबंधन कांग्रेस के लिए भी समस्याएं पैदा कर सकता है। इस तरह यह गठबंधन आंध्र प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोल सकता है। ये देखना अब बाकी है कि इसका परिणाम क्या होता है और कौन सी पार्टी इसका लाभ उठाती है। इसके लिए हमें चुनाव का इंतजार करना होगा। फिलहाल ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।